नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में दोस्तों के साथ होली पार्टी करने चली घाट डैम पर नहाने गया युवक मीत खान गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। मीत अपने 8 दोस्तों के साथ पार्टी करने चली घाट डैम पर नहाने गया था। मीत खान गहरे पानी में डूबाता देख दोस्तों ने पृथ्वीपुर पुलिस को इसकी दी सूचना, जहां नहाने समय मीत गहरे पानी में चला गया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मृतक का शव बरामद किया। वहीं पुलिस का कहना है कि शव मिलने पर पुलिस द्वारा CPR दिया गया, उसके बाद मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर लाया गया जहां डॉक्टरों ने मीत को मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक को चिली घाट पृथ्वीपुर वार्ड नंबर 4 क्षेत्र का निवासी मौसम उर्फ मीत खान पिता फरदीन खान अपने 8 मित्रों के साथ में नहाने के लिए चिली घाट गया था, जहां पर मौसम का पैर फिसलने संभवतः या नहाते समय उसकी वह डूब गया और उसकी खबर जो है पुलिस को प्राप्त हुई। तो पुलिस घटना पर पहुंची तब उसका शुरुआत में शव तलाशा गया, उस व्यक्ति को तलाशा गया, बाद में फिर उसकी शव प्राप्ति हुई। फिर पुलिस के द्वारा CPR और इत्यादि करके उसका प्रयास किया गया बचाने का। फिर अस्पताल लाया गया उसको और अभी अस्पताल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। 8 लोग वो लोग गए थे तो मृतक को मिला के कुल 8 लोग थे। लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा आगामी होली के त्यौहार को लेकर बराबर तैयारियां चल रही हैं, फिर सूचना दी है सब लोगों को, उसके बाद सर कैसे सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इसमें प्रयास करता है कि जनता से सूचना प्राप्त हो, पर ऐसे कुछ स्थान होते हैं जिनकी सूचनाएं हमें थोड़े लेट प्राप्त होती है, जिसके कारण कार्रवाइयाँ लेट हो जाती हैं। परंतु इस घटना में पुलिस समय पहुंच गई थी और संसाधनों को जुटाने में जो समय लगा उसके आधार पर ही जो कार्रवाई हो पाई है। सर, मतलब 7 व्यक्तियों से आपने जाँच की, किस तरीके से वो व्यक्ति डूबा या किससे मौत हुई? पूछताछ चल रही है, सभी काफ़ी व्यथित हैं, तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं जितने भी बालक लोग गए हैं, तो कोई ठीक से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं वो। जैसे ही घटना का पता लगता है तो सूचित किया जाएगा आप लोगों को। कितने समय लगा निकालने के लिए? लगभग आधा घंटे का समय लगा था निकालने में। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।